हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक समोल और आज हम बात करते हैं लाभा का एक मॉडल के बारे में। जो मॉडल है लाभा का कैप्टन 4i, ये लाभा का मॉडल है कैप्टन 4i। तो इसमें देखिए, अभी लगा है इनपुट पासवर्ड मांग रहा है। तो ये पासवर्ड जो है, हम इसको दो तरीके से खोल सकते हैं। एक तो हम इसको रीड कर सकते हैं और एक इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों ही तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको आप रिमूव करेंगे पासवर्ड को। तो मैं आपको इसका ड्राइवर दे दूंगा, मीडियाटेक का ड्राइवर, जो भी ड्राइवर चाहिए मैं दे दूंगा, आप सबको इंस्टॉल कर लेना है। और इसका जो फ्लैश टूल है मैं आपको दे दूंगा, आप इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए लाभा का क्या मॉडल, थोड़ा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए कैप्टन 4i, देखिए हम लिखा है कैप्टन 4i 2017। तो आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए हम लिखा है कैप्टन 4i। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो टूल दूंगा उसका नाम मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको ये वाला टूल दूंगा, इसका नाम है अलादीन टूल। ये वाला टूल मैं आपको दूंगा, ये टूल। तो आप जब ये इसको इंस्टॉल कर लेंगे अलादीन को, तो आप ऐसा वाला लोगो आपको एक आ जाएगा। तो आप इसको ओपन कर लीजिएगा और आपका सिस्टम पर नेट होना ज़रूरी है। चलिए, ये टूल ओपन होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर करना है कनेक्ट और चलना है आपको यहाँ पर मीडियाटेक में, और आपको करना है यहाँ पर रीड पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर रीड पासवर्ड और यहाँ पर आपका ऑटो डिटेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर करते हैं हम स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद आपको कैसे कनेक्ट करना है फ़ोन को, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए बैटरी लगाना है, सिंपल आपको फ़ोन में बैटरी लगा देना है। और देखिए ये जो की देख रहे हैं ना आप, कॉल का ऊपर वाला की, ये बूट की, इसको प्रेस करके आप केबल लगा देना है। देखिए आपका फ़ोन अभी डिटेक्ट हो चुका है। चलिए अब आ गया फ़ोन, अभी चेकिंग मेटा डाटा, मेटा मोड में फ़ोन आपका आ चुका है। मतलब देखिए लाभा का लोगों में रुक रहा है, तो ये आपका हो गया मेटा मोड। देखिए सक्सेसफुली आपको ये कोड बता चुका है 9876। तो चलिए फिर हम इस पर अभी ट्राई करते हैं ये कोड ले रहा है या नहीं। केबल निकाल लीजिए, फिर से बैटरी को निकाल लीजिए और बैटरी लगाइए इसमें, फिर से आप सेट को ऑन करते हैं। अब अभी यहाँ पर हम कोड देते हैं 9876। चलिए आपका सक्सेसफुली अभी कोड ये ले चुका है। ओके दोस्तों, अगर आपका कोड रीड नहीं हो रहा है तो फिर कैसे करना है, मैं आपको बताया था, दो तरीका बताऊंगा। मान लीजिए कि आपका जो कोड है वो रीड नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर अनलॉक कोड रीड नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, आपको क्या करना है। देखिए देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑन कर आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। देखिए अभी आपका यहाँ पर कोड लगा है और ये कोड रीड नहीं कर पा रहा है। अगर मेरा तो कोड भी रीड कर दिया है, अगर कस्टमर ने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया है और ये आपको ये कोड रीड नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करेंगे, पहले हम इसका फ्लैश फाइल को रीड कर लेंगे, उसके बाद करेंगे फॉर्मेट। तो पहले करेंगे रीड फ्लैश, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। और हमको क्या करना है, सिंपली जो हमको कैसे कनेक्ट करना है फ़ोन को, बैटरी निकालना है और बैटरी लगा देना है और ये बूट की को प्रेस करके हमको केबल लगा देना है, बूट की प्रेस करके केबल लगा देना है। तो देखिए अभी फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। चलिए तो अभी वो, चलिए यहाँ पर पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, मैं कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर सेव। देखिए अभी रीड हो रहा है फ्लैश फाइल। चलिए अभी रीड हो गया आपका ठीक ठाक। तो अभी आप केबल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर करते हैं यहाँ पर फॉर्मेट, पहले रीड करना है उसके बाद फॉर्मेट करना है, उधर रीड आप फॉर्मेट मत करना है, ठीक है। देखिए फिर चलेंगे यहाँ पर फॉर्मेट में,
और करें यहाँ पर स्टार्ट और यहाँ पर कर लेंगे एस। लिखा है देखिए यहाँ पर प्लीज बैकअप द होल फ्लैश बिफोर यू डू यू एनीथिंग। तो डू यू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम करेंगे एस क्योंकि हम पहले से इसका फ्लैश फाइल को बैकअप ले चुके हैं। तो फिर से बैटरी निकाल लीजिए, फिर से बैटरी लगाए यहाँ पर और वही बूट की को प्रेस करके केबल लगा देना है। चलिए अभी आपका फोन यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, तो फिर बूट की को छोड़ दीजिए। चलिए फॉर्मेट डाउन देखिए यहाँ पर लिख दिया है फॉर्मेट डाउन। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको निकालते हैं केबल को, बैटरी निकालते हैं, फिर से बैटरी लगाते हैं इसमें। तो सेट को अभी ऑन करके देख लेते हैं। देखिए आपका सक्सेसफुली यहाँ से फोन लॉक हट चुका है। ठीक है, तो आप चेक कर लो स्टार हाच 06 हाच आपका एयर नंबर पूरा परफेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा जरूर लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में मुझे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।